मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी का ये 4 सालों का जो कार्यकाल है, लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ पूरी तरह से छला हुआ है, धोखा हुआ है। और खुद उन्होंने ही अपने परिभाषित कर दिया कि जो वादे हमने किए थे वो वादे नहीं थे, वो जुमले थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात करने वाले लोगों ने कि सरकार ने रोजगार तो पैदा नहीं किए, खुद अपने केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में पिछले 5 सालों में जो पद खाली पड़े हुए थे उनको बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जिन लोगों ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, वो काले धन को तो वापस नहीं लाए, लेकिन इस देश से वाइट मनी बाहर चली गई। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड धोखा 20,000 करोड़ का से ऊपर का जो जाएगा नीरव मोदी और कंपनी के माध्यम से, वो इन्हीं के काल में हुआ और इन्हीं के सरकार के साए में मिली वजह से वो देश से भाग गया है। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। 1.5 गुना दाम की इन्होंने बात की, MSP मूल्य देने की बात की थी, उस फ्रंट में कोई भी प्रगति नहीं हुई।